हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी किशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बिजली बिल के लिए न्यू अप्लाई कैसे करें, या शॉप हो या घर के लिए अप्लाई करना बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, एक कोई ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। मैं क्रोम चलाता हूँ, तो मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अब हम टाइप करेंगे NBPDCL। उसके बाद कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद दोस्तों, सबसे ऊपर ही आपका हो गया ऑफिशियल वेबसाइट आ गया, NBPDCL.co.in, यानी ऑफिशियल वेबसाइट है। जिसे हम कर देंगे ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखा होगा न्यू कनेक्शन गाइडलाइंस। दोस्तों, अगर न्यू कनेक्शन गाइडलाइंस, अगर आप गाइडलाइंस भी पढ़ ले, तो इसके पढ़ने के बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं दोस्तों, मुझे तो करना है न्यू कनेक्शन, तो मैं न्यू कनेक्शन सर्विस कनेक्शन पर कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी है, तो हम सीतामढ़ी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, कर देंगे जेनरेट ओटीपी। दोस्तों, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आप कनेक्शन टाइप किस टाइप कौन सा कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कनेक्शन लेना चाहता हूँ कमर्शियल, शॉप के लिए लेना चाहता हूँ। ऐसे में बता दूँ कि ये टाइप वगैरह बता दूँ, एग्रीकल्चर का मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर आप खेती के लिए लेना चाहते हैं, बहुत सारा बड़ा खेती, या पोल्ट्री फार्म के लेना चाहते हैं, यानी जो भी खेती से रिलेटेड हो, या आप बकरी पालन जहाँ कर रहे हैं उसके लिए लेना चाहते हैं, तो वो आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों, अगर आप घर के लिए ले रहे हैं, तो डोमेस्टिक सेलेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों, अगर छोटी मोटी आप बिजनेस जो किए हैं, जैसे कि छोटी मोटी कारखाना खोले हैं, मिल खोले हैं, जैसे बिजली से चलती हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेलेक्ट करें। अगर आप दोस्तों कोई शॉप वगैरह के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ पर कमर्शियल सेलेक्ट करें। दोस्तों, मैं शॉप के लिए ही लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कमर्शियल सेट करूँगा। उसका दोस्तों, यहाँ पर ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसका दोस्तों, जिसके नाम से लेना है उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। दोस्तों, जिसके नाम से लेना है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर फादर्स नेम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल दर्ज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, हाउस नंबर। दोस्तों, एक्चुअली अगर ईमेल नंबर ना भी दे तो भी चलेगा, लेकिन जिस पे स्टार का सिंबल लगा हुआ है उस पे ही फिल करें तो भी चलेगा। ऐसे हाउस नंबर मांगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा फिलहाल। उसके बाद दोस्तों, चलेंगे स्ट्रीट, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा स्ट्रीट मेन रोड। उसके बाद दोस्तों, एड्रेस लाइन 1 देना है। अगर एड्रेस नहीं भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा। सिटी देना है, कौन से शहर में आपका। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है, वो ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। डुमरा हो गया तो डुमरा कर देंगे। उसके बाद कौन सा पंचायत है, वो पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा भासरमछा उत्तरी हो गया, तो मैं भासरमछा उत्तरी कर लेता हूँ। उसके बाद विलेज या वार्ड डालना है, तो विलेज यहाँ पर भासरमछा ही होगा। उसके बाद पिन कोड डाल लें, तो पिन कोड अपना डाल लें। उसके बाद डिवीजन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, सब डिवीजन ही सिलेक्ट हो गए। ऐसा डिवीजन देख ले, सब डिवीजन भी सिलेक्ट हो गया।
उसके बाद आपको सेक्शन करना है, तो सेक्शन भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आप गांव से गांव में ये शॉप खोलना चाहते हैं या शहर में, तो अगर गांव में है तो आप इसको RAPDRP कर दे, अगर शहर है तो नॉन RADRP कर दो। मैं इसे विलेज में ही लेना चाहता हूँ। उसका दोस्तों तारीफ सिलेक्ट करना है, तो जो आपका है मेरा ये पेज कि आपको यहाँ पर तारीफ सिलेक्ट करना है कौन सा है, तो मेरा ये IDD1 है। और उसके बाद फेज, कौन सा फेज चाहिए, कितना फेज में लेना चाहते हैं, 1 फेज या 3 फेज, तो मैं 1 फेज में लेना चाहता हूँ। उसके बाद लोड कितना लेना चाहते हैं, तो 1 किलोवाट से लेकर, तो मैं यहाँ पर 1 लेना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ID प्रूफ डालना है, तो ID प्रूफ में आप कौन सा ID प्रूफ कोई सिलेक्ट देख ले, क्या क्या पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मतदान पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ID कार्ड कोई भी दे। तो मैं यहाँ पर फिलहाल आधार कार्ड ले लेता हूँ, और यहाँ पर आधार कार्ड को, मेरा आधार कार्ड है ऐप में, मेरे ड्राइव में लॉक पहले से लगाया हूँ, इसे ड्राइव को पहले ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया ओपन। स्ट्राइप में मैंने रखा, तो स्ट्राइप में मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ आधार कार्ड। दोस्तों एड्रेस प्रूफ ऑन एप्लीकेंट, एड्रेस प्रूफ में देना है, तो एड्रेस प्रूफ भी सिलेक्ट कर ले। तो इसमें सबसे बेहतर मेरे हिसाब से राशन कार्ड होगा, तो आप राशन कार्ड ही सिलेक्ट कर ले। और जो फ्रंट पेज का आना है, पहला पेज का, तो मैंने राशन कार्ड का फ्रंट पेज ये है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट पेज ऑफ एड्रेस प्रूफ, तो इसमें लास्ट पेज डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, फोटो डालना है, एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन कर रहा है अपने बिजली के लिए, उसके उसमें फ़ोटो डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है फ़ोटो ऑफ ऑनरशिप, फर्स्ट पेज ऑफ लास्ट डीड या रेंट एग्रीमेंट या अदर। दोस्तों यहाँ पर यह है कि आप इसमें से फ़ोटो ऑफ ऑनरशिप का फर्स्ट में, या तो फर्स्ट पेज ऑफ लीज या डेड या रेंट एग्रीमेंट या अदर्स। दोस्तों अगर आप ये भाड़ा पर ले रहे हैं किसी का, तो कर रहे हैं तो आप वहाँ पर एग्रीमेंट डाल, अगर आप खुद से कर रहे हैं खुद के लिए, तो आप यहाँ पे उस ज़मीन का जो रसीद होगा उस पर रसीद को यहाँ पे अपलोड कर दें। दोस्तों मैं यहाँ पर लैंड रिसिप्ट है उसे मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोटो और ऑनरशिप ऑफ ऑनरशिप लास्ट पेज ऑफ लीज डीड रेंट या एग्री, यहाँ पर दोस्तों आपको लास्ट पेज में ये डालना है, या तो आपके एग्रीमेंट है वो डाल दें, नहीं तो आपको डालना होगा यहाँ पर LRC एक वेबसाइट है, वहाँ पर अपना LRC वेबसाइट पर जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर आप खाता और खेसरा के मदद से आप अपना एक, वो मैं बता देता हूँ दोस्तों कैसे होगा, पहले मैं बता देता हूँ, पहले मैं अपलोड कर देता हूँ सेकेंड पेज। उसके बाद दोस्तों मैं देख लेता हूँ, फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने सारा कुछ डाला वो सही है या नहीं, देख लेता हूँ। कनेक्शन टाइप कमर्शियल सही है, OTP यस, हाउस नंबर स्ट्रीट लेंथ सिटी ब्लॉक पंचायत विलेज, दोस्तों यहाँ पर मेरा सब कुछ सही है, तो मैं इसे कर देता हूँ सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पर कर देना है ओके। दोस्तों यहाँ पर मेरा ये जो लोड है वो वैलिड नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर बता रहा है 0.11 से लेकर लोन वैल्यू
यहाँ 0.5 तक ही ले सकते हैं, इसके बीच में ही ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों दे दूंगा 0.5 दे देता हूँ, कर देंगे हम सबमिट, ओके कर देंगे। न्यू रिक्वेस्टेड क्रिएटेड विथ रिक्वेस्ट नंबर, जो आपका रिक्वेस्ट नंबर है उसे आप सेव कर ले। उसके बाद दोस्तों आपको इस नंबर से आप स्टेटस पर जाके चेक करते रहे कि आपका कहां तक काम हुआ, आपका अप्लाई किया हुआ कहां तक पहुंचा। दोस्तों उसके बाद हम इसे अपना एक प्रिंट करके अपने डिवाइस में रख लेंगे, इसे हम कर लेंगे प्रिंट। और ये मेरा अप्लाई किया हुआ यहाँ पर स्टेटस नंबर भी लिखा हुआ है, उसी के साथ साथ हम इससे नंबर से ही स्टेटस अपना चेक करते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।